ओ भाई, ये भाई साहब को क्या हो गया? छोटे को लाए। नमस्ते। बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, अपने यहाँ तो गालियाँ सिखा देते हैं। तो गाइस, हम लोग चाय पी के फ्री हुए हैं एंड चंदन भाई ने उसे पैसे किए एंड पैसा देने के बाद बोलते 10 रुपये डिस्काउंट में नहीं मिलेंगे क्या। तो भैया अभी खा रहे हैं, कैसा लग रहा भैया आपको खाने में? बहुत है, जाने का रास्ता ऐसे छोटी छोटी रोड है और वहाँ से इतना सही से गाड़ियाँ चलाते हैं। गवर्नमेंट वो है रूल, अब गवर्नमेंट पता नहीं कब जैसे खुले, बट है 1 मई को खुलेगा। 1 मई को ऊपर तो बहुत ज्यादा वेदर खराब हो रखा था तो मैं जल्दी जल्दी निकलना, क्योंकि यहाँ से ना 5:30 बजे लास्ट बस मिलती है हमें कुल्लू के लिए, फिर कुल्लू से तो बहुत सारी बसें मिल जाएंगी मनाली के लिए, तो इसलिए मैं तो जल्दी जल्दी निकल आया। चंदन भाई पीछे आ रहे हैं, नीचे थोड़ा कम है लेकिन ऊपर बहुत ज्यादा भाई, मतलब पानी पड़ रहा था, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मतलब सांस लेने में वैसे नहीं ज्यादा, एकदम हवा लग रही थी ना नाक पे तो बहुत दिक्कत, इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। बट भाई बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, इतना तगड़ा व्यू आता है ना, बहुत तगड़ा। हाँ मैं बोलूँगा ना, आप प्लान बना लो तो आ सकते हो इधर। अच्छा, यहाँ से उतरना बहुत आसान है लेकिन चढ़ना बहुत टफ हो रहा था, लाइक हाँ अपनी फूल गई थी मेरी। आराम से। हाय चोटू। कितने छोटे को लाया। नमस्ते। बाय। आराम साथ दे दो, अच्छे से जाना बिट्टू। कितना छोटा है यार। यार कितना छोटा है, मतलब देख रहे हो। एक गोदी वाला है बेचारा, इतना क्यूट सा बच्चा था, वो तो इतना छोटा, पता है नमस्ते करते करते जा रहा था। नमस्ते सही है, मतलब हिमाचल के ही लोग हैं वो लोग, लोकल लोग होंगे, सही भी नेचर है। बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, अपने यहाँ तो गालियाँ सिखा देते हैं। गाइस पीछे एक अंकल जी आ रहे हैं, पूछ रहे थे आप त्रिलोकीनाथ गए थे, मैंने कि नहीं क्यों, कह रहे थे नहीं मैंने आपके यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी, तो मेरी शायद फेस का सेम बंदा देख रखा होगा उन्होंने, कोई ऐसा जिससे मेरी फेस मिलता जुलता होगा। मैंने कि नहीं अंकल मैं तो इधर ही अभी घूमा हूँ, ज़्यादा नहीं गया उधर साइड तक, बट होपफुली मैं जा सकूँ। नहीं गाइस अभी वेदर इतना क्लासी हो गया ना तो इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। एंड एक और अच्छी चीज़ है ना, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ना इतना सही ग्रीटिंग कर रहे हैं ना, मतलब इतना सही लग रहा है, ज़्यादा समय नहीं किए थे आते उतरते समय कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ओम नमः शिवाय, सही लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैक भी अच्छा है ऐसा नहीं है, बट थोड़ा चढ़ते समय ना सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है ना तो परेशान हो जाते हैं, उतरते समय इतना दिक्कत नहीं आती। एंड गाइस आपको इस टाइप का ट्रैक मिल जाएगा इधर बिजली महादेव का, तो इतना गल नहीं है, बढ़िया ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ प्रॉपर दी रखी हैं उन्होंने, तो आप उससे चढ़ के जा सकते हो। बट हाँ एक साइड कुछ नहीं है, लुक एट दिस, एंड एक साइड सीढ़ियाँ, बट ऐसा नहीं है अगर लापरवाही करोगे तो स्लिप मार सकते हो, बट अगर आराम से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को ना चढ़ने में कम से कम 2 घंटे लग गए होंगे, बट उतरने में आधा घंटा लगा, आधे घंटे में हम उतर गए जल्दी जल्दी, क्योंकि यार सीढ़ियाँ है ना तो उतरने में इतना दिक्कत नहीं हो रही थी, पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, सांसें फूल गई थी। अभी हम 4 बजे की बस पकड़ लेंगे ना तो कुल्लू पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, फिर उसके बाद बस पकड़ेंगे तो वाली बस जाने वाली है। कौन सी है? नहीं है यार, बंद है, नहीं वो ऑल ट्रक है। चलो पूछने गए वहाँ लोकल से कि ये बस जा रही है या नहीं, नहीं आएगा यार। यहाँ आएगा? ओके तो बस इधर ही आ जाएगी, अभी ये स्कूल बस नहीं आ रही, दूसरी बस आएगी वही लेके जाएगी फिर हमें नीचे। 1 फुट 12 इंच। 1 फुट 12 पड़ती है यहाँ पे? अंकल बोल रहे कि यहाँ पे ना 1 फुट 12 पड़ती है। हाँ अच्छा, तो दिसंबर में पड़ती है? तो अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे ना दिसंबर जनवरी में बहुत बर्फ पड़ती है, लाइक इस एरिया में तो 1-1 फुट पड़ती है, बट ऊपर जाओगे ना 2-2 ढाई फुट बर्फ पड़ जाती है। क्या सही रहता होगा वह तो, लेकिन 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, जब यहाँ पे रहता है ना उसकी तो हालत ख़राब हो जाती होगी, लेकिन फिलहाल तो बहुत गर्मी है भाई इधर। टेम्परेचर होगा यहाँ का 25 या 26, इतना टेम्परेचर है इस समय यहाँ का। बस हमेशा बैठ जाते हैं भाई, मैं इधर बैठ जाता हूँ एंड कहीं बैठ लो यार छोटी सी बस है। सो फाइनली हम लोग उतर गए हैं कुल्लू, कुल्लू पहुंच गए हैं, वहां का एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा रहा, मैं आपको बोलूंगा कि आप जा सकते हो। एंड फिलहाल हम कुल्लू की मार्केट घूमने जा रहे हैं, तो बेसिकली मुझे को डेटा केबल लेनी है एंड इनको भी कुछ परचेज करना है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर मोबाइल की दुकान है और डेटा केबल ले लेते हैं। अब गाड़ियाँ बहुत चलती हैं रोड पर।
स्टीयरिंग ऑटो नहीं, हाँ वो हो गया भैया। आईफोन की ट्रिपल केबल है, आईफोन कैसे क्या आईफोन कितनी है तुम्हें बाद अंकल अंकल सवाली। मैंने ले लिया डेटा केबल 150 की थी यार, लोकल डेटा केबल ना मैंने अब तक दो खराब हो गई मेरी, मतलब एक ओरिजिनल खराब हो गई, बाकी बाद मैंने दो लोकल डेटा केबल ले लिया है आईफोन की, वो दोनों खराब हो गई। अब मुझे लगता है दोबारा से ओरिजिनल वाली लेनी पड़ेगी मेरे को। तो बेसिकली अभी हमने ना भैया से चाट खाई थी, इतना सही बनाया था ना, बहुत सही। तो भैया भी खा रहे हैं, कैसा लगा भैया आपको खाने में? बहुत टेस्टी है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्केट कहाँ है यार कुल्लू की? मार्केट दिखा। आपको कहाँ से परचेस करना है? देखता हूँ। हाँ शेरवानी ले लो। अरे भाई बट यार एक चीज़ मैं बहुत अच्छा बोलना चाहूँगा, यहाँ के जो बस वाले हैं भाई क्या सही गाड़ियाँ चलाते हैं। मतलब अभी हम जो ट्रैक करके आए हैं ना भाई, मतलब वहाँ पर जाने का रास्ता ऐसे छोटी छोटी रोड हैं और वहाँ से इतना सही से गाड़ियाँ चलाते हैं ना, बहुत सही से, मुझे मज़ा आ गया भाई। एक रेस्पेक्ट बनता है उन लोगों के लिए। नहीं भैया कहीं नहीं, पैराग्लाइडिंग नहीं करनी। सो गाइस बेसिकली हम आ गए अभी माल रोड पे, हमने सोचा कि कुल्लू में थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाए, कुछ मिला ही नहीं था। हमने थोड़ा बहुत चला भी थे तो वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था हमें, तो हमने बोला कि ठीक है हम माल रोड पे चले जाते हैं, मनाली में रेस्ट भी कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, माल रोड भी घूम लेंगे। हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ऑफिस से आते थे तब थोड़ा बहुत घूमते थे तो माल रोड बंद हो जाता था, कुछ नहीं हो पा रहा था। अभी हमारा कुछ दिनों का स्टे हो रहा है इधर एंड होपफुली लाइक एक हफ्ते का स्टे है, मतलब वर्किंग तो 4 days रहेगा हमारा क्योंकि एक दिन का शायद ऑफ है एंड उसके बाद हमारा प्लान रहेगा काजा का जाने का, अगर ओपन हो गया तो, अगर नहीं ओपन हुआ तो जैकेट भी को। हाँ क्या हुआ? हाँ है अच्छा तो कहीं और चलते हैं ना, इधर इधर कहीं चलते हैं, हाँ पीछे सही मिल जाएगी चाय। तो अभी हमारा चाय पीने का मन है क्योंकि बहुत परेशान हो गया यार, मतलब ऐसा लगता है जब थक जाते हैं ना तो आंखों पे दिखता है कि हाँ अभी थक चुके हो तुम भाई ना, आंखें लाल लाल हो जाती हैं तो मट्टी और घुस जाती है ना, हाँ बात लो ना मट्टी घुस जाती है तो और दिक्कत होती है। सो गाइस दिस इज़ द माल रोड ऑफ मनाली। चलिए कैसा लगा मनाली का माल रोड? सेक्सी है इसमें, सेक्सी क्या है? आजा आजा चंदन भाई को मनाली का माल रोड सेक्सी लग रहा है, मैंने इसमें सेक्सी क्या? सेक्सी होगा और क्या होगा, सेक्सी माल रोड नहीं होता पाजी जो सेक्सी होना चाहिए वो नहीं बता रहे, क्या बात है यार। मतलब हमने सोचा था ना बहुत दिनों से कि हम ब्लॉग बनाएंगे माल रोड के ऊपर तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हमें, सैटरडे संडे कहीं ना कहीं घूमने चले जाते तो रात हो जाती थी, 9-10 बजे से हम रिटर्न होके आ रहे थे तो बेसिकली टाइम नहीं मिल पा रहा था हमें, तो अभी मिल गया है तो इस टाइप की दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे। तुम्हें जाना कहाँ है वैसे? हा? जाना कहाँ है अभी? घूमते हैं फिर घर, घूमते नहीं नहीं मतलब खाना खाने आ रहे हैं अभी, खाना भी थोड़ा रुकते हैं। हाँ करेक्ट, मेरे को भी नहीं भूख लग रही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि यार अभी भूख नहीं लग रही। अभी बजाई कितना होगा? 7 बजा हुआ हार्डली घंटा तो 7:40 हो रहा है। 7:40 हो गया, डेट मीन्स क्या वो बस वाला बहुत स्लो करके लाया था, मतलब स्लो चलाया था उसने, नहीं तो जो दूसरे बस वाला था ना हम लास्ट टाइम आए थे, हाँ अरे जब वहाँ से आए थे मणिकरण से खीर गंगा का ट्रैक करके, तो भाई वो कुल्लू से ना मनाली तक 45 या 50 मिनट में लेके आ गया था, बट अभी वाला तो 2 घंटे लगा लिया ऐ चला रहा था, मुझे लग रहा था कहीं चंडीगढ़ तो नहीं ले जा रहा कहाँ पे। ओह भाई ये भाई साहब को क्या हो गया? आओ भंड है मुझे भाई साहब पी के भंड हो गए एकदम से, मदहोश हो गए मदहोश मनाली में आके, देखने से ही पानी दिख रही है, चाय कम मतलब पानी ज़्यादा लग रहा है इसमें, चाय तो कुछ डाला ही नहीं है और मीठा इतना डाल दिया इससे ज़्यादा, मतलब फ्रॉड कर रहे हो चाय में भी भाई। माल रोड पर मैं बता रहा हूँ भाई इस दुकान से मत पीना चाय बिल्कुल भी, बहते तो हर दुकान यहाँ पे ऐसे ही है बट इससे मत पीना। लुक एट दिस, ये माल रोड का रोड है एंड मैं बता दूँ देखो ये है ना आसियाना के सामने ही वाला है, इससे मत पीना चाय भाई बहुत गंदी बनाता है। तो गाइस हम लोग चाय पी के फ्री हुए हैं, चंदन भाई ने उसे पैसे किए
पैसा देने का बोलते 10 रुपए डिस्काउंट में नहीं मिलेंगे क्या भाई? चाय अगर लेके आ रहे तो डिस्काउंट क्यों ना मांग भाई, उसे सीधा बोलते ना भाई इतनी झाड़ू चाय बनाने के लिए डिस्काउंट तो मिलता ही है। डिस्काउंट मांग रहे थे सर चाय वाले से कि 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगा क्या इतनी झाड़ू चाय बनाने के लिए? तो मार रोड दिखा देता हूँ, मनाली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, मार रोड ऐसे घूम लो। इससे अच्छा सीपी चले जाना आपको। बट ना अभी माहौल है इसमें है ना, बेसिकली हम लोग ना ऑफिस खत्म होने के बाद आते थे कहीं 10:30 बजे आ रहे हैं, सही 11 बजे आ रहे हैं, तो कुछ मिलता ही नहीं था, खाली खाली हो जाता था सारी चीज़ें। बट आज हम ऑफिस से पहले आ चुके हैं क्योंकि आज हमारा ऑफिस बंद है यार, अरे कुछ है नहीं ज़्यादा, मार्केट में थोड़ा बहुत घूम लो आप, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, बाकी का ऐसा कुछ है नहीं इधर। बट आज वाइब्स अच्छी आ रही हैं, मतलब एज कम्पेयर टू अदर डेज, अदर डेज में कोई होता ही नहीं था जब हम आते थे, खाली खाली पड़ा रहता था। तो बेसिकली मार रोड यहाँ से स्टार्ट होता है एंड जो मैंने बताया ना वो वहाँ तक क्लोज होता है, कुछ है नहीं नॉर्मल सोप में, तो मैं अगर यहाँ का क्लॉथ लेने हैं तो ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, बारगेनिंग भी कर लो, कर लेना। अगर बारगेनिंग नहीं करोगे ना तो 500 की चीज़ को 500 में लेके जाओगे, बारगेनिंग कर लेना, 500 का बताया है तो 300 का 200 का कर ले जाना, इतना तो चलता है ना बारगेनिंग में, इतना तो कर ही सकते हो। तो फाइनली गाइस अभी बच्चे का ना हम लोग मार्केट में घूमते रहे थे, अभी खाना खाने आ गए यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा खाना मिलता है इधर, तो पूरा भरा हुआ है आज तो। अरे तो आना हम दो सरदार दो इधर उधर, चार नंबर कौन सा? अच्छा ये हैंड वॉश की सामने बैठा रहे हो मैं, तो गाइस हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा, वो हमने यहाँ पे पंजाबी थाली लिया विच इज़ ओनली 180 की है, इसमें क्या क्या मिला वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इसमें दाल मखनी है एंड वो सॉरी शाही पनीर है एंड ये मिक्स वेज है, रायता है एंड 3 रोटी एंड राइस भी मिलेंगे, तो इसका प्राइस ओनली 180, मतलब काफ़ी सही है। आपको अगर आना है ना तो इसकी लोकेशन बता दो, मैं पास में मैं मार रोड के पास ही मिलेगा आपको, और अच्छा खाना बनाते हैं, अगर आप खाली भी नहीं रहोगे ना तो भी अच्छा मिलेगा इसको। बाकी चंदन भाई खींचना स्टार्ट कर दो, सुबह ले खाने से हो गए हम फ्री, मेरा पेट भर गया बहुत ज़्यादा, जो प्लेट थी उसमें काफ़ी सारा था यार, मतलब 3 रोटी थी मैंने बताया था आपको। आपका अगर खाना है ना तो आप यहाँ पर आ सकते हो, जैसे मनाली रोड जैसे क्रॉस होता है ना वहाँ से यहाँ पर आना है थोड़ा सा एंड उसके बाद आपको जो मनाली बस स्टैंड है ना उसके पास से आपको साइड में गली है एंड मैं बता देता हूँ आपको, जैसे वो ऑटो स्टैंड है ना वहाँ से अगर इधर आओगे ना थोड़ा सा चल के तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मतलब अप्रैल में खुल जाएगा काजा, भैया एक गवर्नमेंट वो है रूल, अब गवर्नमेंट पता नहीं कब जैसा खुलेगा, बट है 1 मई को खुलेगा, 1 मई को वो भी खुलेगा, क्या बोलते हैं ले का रोड खुलेगा और काजा स्पीति भी खुलेगा। अच्छा ले का ना, ले लद्दाख कहाँ बंद है वो डारचा तक, डारचा के बाद अलाउ नहीं कर रहे, 1 तारीख को गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो करेगी वही। ओके ओके ओके, तो अभी स्नो तो कहीं नहीं हो रही मनाली में, कहीं जनवरी दिसंबर से मार्च तक बर्फ रहता है, लाइव स्नो का चांस आपको। अच्छा मतलब फरवरी समझ लो लास्ट, ना 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 तो मार्च तक रुको, तो मार्च में तो आए थे यार, अबे हम लोग 20 मार्च हुआ पर मौसम बनना चाहिए ना, बारिश आई तो पक्का बर्फ। अच्छा बारिश में होता है तो मतलब दिसंबर में आए दोबारा से, है ना? दिसंबर से स्टार्ट होता है मार्च तक। चलो कोई ना, धन्यवाद भैया। तो हमने भैया से पूछा था कि रोहतांग पास खुला नहीं, एज यूजली तो रोहतांग पास नहीं खुला, तो हम काजा तक नहीं जा सकते, काजा का रास्ता उधर से जाने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट जो प्लान रहेगा वो वहीं रहेगा, मतलब रोहतांग पास नहीं खुला है बट उस एरिया में थोड़ा बहुत जाने दे रहे हैं, 15-16 किलोमीटर वो कौन सा नाम बताया था, कोसकर कोकसर, तो कोकसर वैली तक जाने दे रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ना नेक्स्ट सैटरडे को ना कोकसर वैली जाएंगे एंड अभी तो हम जा रहे हैं घर, हमारा डिनर हो गया पूरा, होपली अभी नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा कल हमारा जो प्लान है ना वो जोगनी फॉल का है एंड एक और कोई लोकेशन देखा था मैंने, मैं याद नहीं रहा मेरे को नाम याद नहीं रहा, तो होपफुली वहाँ पे भी जाएंगे कल, मतलब एक दिन में कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है,
वो जो नेक्स्ट सैटरडे संडे है वो पहले कोक्सर वैली, दूसरा मैं कुल्लू में जाके कुछ इवेंट्स कर सकता हूँ वो पता नहीं अभी, होपफुली कर पाऊँगा मैं। भाई गाइस अभी मैं निकलता हूँ रूम पे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, तो इस ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं करते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।